मैं महुआ किचन इंडिया महुआ में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आप लोग को इंस्टेंट दही बड़ा बना के दिखाने जा रही हूँ, जिससे आपको फ्राई भी करने की ज़रूरत नहीं है और दाल की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे जब चाहे बना के खा सकते हैं या सभी को खिला भी सकते हैं। तो ये देखने के पहले मेरे वीडियो का सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, सारे मेरे रेसिपीज के इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी खर्चे नहीं करने पड़ेंगे दोस्तों, और आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। तो ये आप इंस्टेंट दही वड़ा बनाने जा रही हैं? हाँ, मैंने गलती से पकौड़ा लिख दिया। अच्छा, वड़ा है ना? हाँ, अच्छा, इंस्टेंट दही वड़ा बना रही हैं तो ये लगता है कि झटपट रेसिपी है, तुरंत बहुत बन जल्दी जाएगी। तुरंत। इसमें ना आपको गैस की ज़रूरत है, ना चूल्हे की ज़रूरत है, कुछ नहीं। हाँ, ना दाल की ज़रूरत ना फ्राई। बहुत कोई फ्राई खाना नहीं पसंद करते हैं, वो जैसे होली उली में सब कोई बहुत फ्राई बनता है, तो उस समय आप चाहे तो इसे बिना फ्राई किया हुआ दही बड़ा भी बना के लोगों को खिला सकते हैं, आप भी खा सकते हाँ, हैं। घर में मेहमान आ गए हो अचानक, तो आप इसको झटपट बना करके आप खिला कोई सकते मेहमान हैं। भी आ जाए तो उसे भी हम बना के हाँ, झटपट आप रेसिपी खिला है, सकते एकदम हैं। इंस्टेंट हाँ, रेसिपी है और ये। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, आप भी अपने घरों में इसे बना सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आइए तब तक हम आपको एक जगह ले चलते हैं, वहाँ भी दही से ही कुछ संबंधित चीज़ है। आप देखिए, ये हम गए महाबलेश्वर, वहाँ पर प्रतापगढ़ गए, शिवाजी का किला जहाँ शिवाजी के मूर्ति भी स्थापित है, और यहीं पर शिवाजी ने अफजल खां का वध किया था। तो इस जगह, ये पहाड़ी पर उनका राज था, और जो गद्दार लोग होते थे उनको इसी जगह से फेंक दिया जाता था। ये करीब 1800 फीट हाइट पर है, इस हाइट से उसको फेंक दिया जाता था। यहीं पर आप आगे देखिएगा, शिवाजी का एक मूर्ति भी है, और वहीं पर आपको हम दिखाएंगे, वहीं पर छाछ भी मिल रहा है। वहाँ पर लोग छाछ बोलते हैं, छाछ नहीं, और वहाँ 20 रुपये गिलास मिल रहा है। तो देखिए, दही का ही बना हुआ मट्ठा छाछ यहाँ मिल रहा है, देखिए आगे आपको मिलेगा। ये हम इस वीडियो में आपको ये दिखा रहे हैं, ये मेरा व्लॉग है, इसमें हम लोग दिखा रहे हैं आपको। देखिए आगे, ये यहाँ पर छाछ मिल रहा है 20 रुपये गिलास, और गिलास भी जो है कुछ पुराने ज़माने टाइप की है, और बहुत ही अच्छा छाछ मिला यहाँ पर। ये कई जगह इस किले में कई जगह मिलता है ये छाछ। देखिए, महुआ जी भी पी रही हैं। आइए अब हम आपको दही का वड़ा दिखाते हैं, इंस्टेंट दही वड़ा। तो इसके लिए मैंने ये ब्रेड रखी हूँ, 8 पीस ब्रेड है, इसके चारों ओर मैं इसको निकाल के रखी, जो इसके लाल जो वाले जो जिनके जो रहते जो हैं, कड़े पोर्शन है। हाँ उसको निकाल के रखी। और ये दही ली हूँ, थोड़ी दूध भी है और ये पानी भी है थोड़ा सा। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ, तो मैं ये दूध डाल रही हूँ इसमें, अच्छा, दूध। थोड़ी सी पानी भी डाल रही हूँ। अच्छा, ब्रेड को इसमें खूब अच्छी तरह डुबा कर, इसके दूध को निकाल दिया आपने, दूध और पानी का जो मिश्रण है उसको आपने हटा लिया, और इसका आप गोला बना रही हैं क्या? अच्छा बड़े के जैसा। अच्छा अच्छा हाथ से गोला बना रही हैं। अच्छा, बना कर वहाँ रख दिया। अच्छा, फिर इसको भी ये इसी दो तरह। पीस पाव रोटी का एक बड़ा आप बना रही हैं क्या? हाँ, ये छोटे ब्रेड है तो हाँ, आप बड़ा ब्रेड ले तो उसे एक भी बना सकते हैं, एक से या भी, ज़्यादा एक ब्रेड पीस ले से तो भी बना सकते हैं, बड़े ब्रेड ब्रेड। ज़्यादा ले तो अभी हो जा सकते, ज़्यादा बना सकते हैं। अभी आप मतलब 4 बड़े बनाइएगा। हाँ, 8 पीस का मैं हाँ, 4 बड़े चार बना बड़े रही हूँ। बना रहे हैं।
अपने ब्रेड का लाल पोर्शन जो है सख्त पोर्शन को निकाल दिया, हटा हाँ दिया है। इस तरह से आप चार बड़े हाँ बना रहे हैं हाँ गोल गोल। हाँ इसमें थोड़ा चीनी मिला रही हैं हाँ थोड़ा सा चीनी, और थोड़ा चीनी भी मिला रही हैं थोड़ा नमक भी मिलाना है, और थोड़ा सा नमक भी मिलाएंगे, सादा नमक। सादा नमक या काला नमक कुछ भी आप अच्छा डाल डाल सकते सकते हैं। हैं। अच्छा अब क्या करने जा रही हैं आप? दही में मैंने चीनी नमक मिला रखी और इसमें मैं थोड़ी सी हींग भी डाल रही हूँ। चुटकी भर हींग मिला रही हैं। हाँ, जो हींग तो डाइजेशन के लिए अच्छा है और हींग देना सभी के लिए अच्छा है हींग। तो आप चाहे जो नहीं हींग पसंद करते, वो तो हींग नहीं पसंद करते हैं, वो हींग नहीं डाले। मुझे हींग बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने हींग डाली, और डाइजेशन के लिए भी हींग अच्छा होता है। और इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। ये क्या कश्मीरी मिर्च है या लाल मिर्च है? लाल मिर्च है, अच्छा कश्मीरी मिर्च भी मिला हुआ है इसमें, अच्छा और ये अरे काला नमक है। अच्छा, तो काला नमक भी मिला रही है। हाँ, रोस्टेड जीरा पाउडर है। अच्छा दो प्लेट दही वड़ा आप सजा रही हैं, हाँ इसे परोसेंगे आप। हाँ अब मैं इसके ऊपर से अच्छा दही ऊपर से डालूंगी। दही डाल देंगे। हाँ, इस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये आपका तैयार हो गया। हाँ, तो मेरी इंस्टेंट दही बड़ा बन के तैयार है। मैंने इसे कटोरी में सर्व कर दी और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और डाली, और मीठा इमली का चटनी भी डाली, और इसमें ऊपर से थोड़ा जीरा पाउडर, काला नमक भी डाल रही हूँ, रोस्टेड जीरा पाउडर। और थोड़ी हरी चटनी भी डाल रही हूँ। और थोड़ी सी नमकीन, आलू की नमकीन जो है वो भी थोड़ा छीट रही हूँ इसमें। आप चाहे तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये आपको इंस्टेंट, मेरी ये इंस्टेंट दही बड़ा आपको कैसी लगी? आप ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसमें कोई खर्चे नहीं करने पड़ेंगे आपको। मेरी बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि मैं किस तरह से बनाई, जो आप भी घर में अपने बना सकते हैं। सेहतमंद रहें। थैंक यू।